अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने कैपिटल बिल्डिंग में पिछले सप्ताह हुई हिंसा के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके साथ ही ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग चलाया जा रहा है। इस प्रस्ताव को 197 के मुकाबले 232 मतों से पारित किया गया। खुद ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 10 सांसदों ने इसके समर्थन में मतदान किया।